गॉडज़िला वर्सेस गाइगन रेक्स शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हो चुकी है और मुझे लगता है कि आप सभी ने अभी तक इसे देख लिया होगा। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखें। ये शॉर्ट फिल्म एब्सोल्युटली अमेजिंग थी। मॉन्स्टर्स की फाइट में क्लासिक फील भी था, साथ ही मॉडर्न टच भी। बहुत चांसेस हैं कि ये हेसे गॉडज़िला मूवीज़ का ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि ये गॉडज़िला गॉडज़िला वर्सेस डिस्ट्रॉयर के एंड में दिखाया गया गॉडज़िला जूनियर था। और ये कोई फैन थ्योरी नहीं है, खुद शॉर्ट फिल्म में इस चीज़ को स्ट्रांगली इंडिकेट किया गया है। इस टॉपिक पर मैं वीडियो के एंड में बात करूंगा। सबसे पहले मैं इस मूवी पर डिस्कशन करना चाहूंगा। शॉर्ट मूवी के स्टार्ट में मल्टीपल गाइगन्स का एक शहर पर अटैक को दिखाया जाता है, जहां वे मिलिट्री पर भारी पड़ते हैं। तभी गॉडज़िला आकर उनसे लड़ने लगता है। वो बहुत आसानी से उन सभी को हरा देता है, लेकिन तभी एक बड़ा रेड गाइगन आता है जो उन सभी गाइगन्स का किंग गाइगन रेक्स था। उसके पास नॉर्मल गाइगन्स से ज़्यादा ताकतवर हथियार थे जो गॉडज़िला पर भारी पड़ते हैं, पर गॉडज़िला उसे किसी तरह से संभालता है। गाइगन रेक्स गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रेथ को बहुत आसानी से रोक देता है, साथ ही वो एक सिग्नल की मदद से दूसरे नॉर्मल गाइगन्स को बुलाकर हमला करवाता है। सभी गाइगन्स एक साथ गॉडज़िला पर हमला करते हैं। अचानक गॉडज़िला की चेस्ट वाइट ग्लो होने लगती है और वो एक ज़बरदस्त न्यूक्लियर पल्स रिलीज करता है। अपने वाइट एटॉमिक ब्रेथ के एक हमले से वो एक बहुत बड़ा धमाका करता है। गाइगन रेक्स दूसरे गाइगन्स की एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और एक बीम मारता है। गॉडज़िला की एटॉमिक ब्रेथ उसके बीम के साथ क्लैश होती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गाइगन रेक्स हार कर नीचे गिर जाता है, जहां गॉडज़िला अभी भी खड़ा था, और वो रोर करता है। तो ये थी गॉडज़िला वर्सेस गाइगन रेक्स शॉर्ट फिल्म, जो अगेन बहुत अमेजिंग थी। अब शॉर्ट फिल्म में ये इनडायरेक्टली इंडिकेट किया गया है ये गॉडज़िला गॉडज़िला जूनियर है। सबसे पहले मैं बहुत ब्रीफली गॉडज़िला जूनियर के बारे में बता देना चाहता हूँ। हेसे सीरीज में गॉडज़िला का एक बेबी रहता है जो गॉडज़िला वर्सेस मेगा गॉडज़िला, गॉडज़िला वर्सेस स्पेस गॉडज़िला और गॉडज़िला वर्सेस डिस्ट्रॉयर मूवी में अपीयर होता है। गॉडज़िला वर्सेस डिस्ट्रॉयर मूवी में ये लगभग एडल्ट हो चुका था, पर इसे डिस्ट्रॉयर मार डालता है। इसका फादर भी उस समय ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से मरने ही वाला था, इसीलिए गॉडज़िला अपनी पूरी एनर्जी को गॉडज़िला जूनियर को दे देता है, जिससे गॉडज़िला जूनियर ठीक होने के साथ साथ एक एडल्ट गॉडज़िला बन जाता है। हेसे सीरीज़ का एंड गॉडज़िला जूनियर के इस सीन से होता है, जो काफ़ी सिमिलर है शॉर्ट फिल्म के इस शुरुआती सीन से। साथ ही इस सीन के दौरान हेसे की ही मूवी गॉडज़िला वर्सेस मेका गॉडज़िला का म्यूज़िक बज रहा था। बैकग्राउंड में एक लेडी की आवाज़ भी आ रही होती है, जो कह रही थी, एक बार एक भयानक लड़ाई हुई थी, तुम्हारे गए हुए एक चौथाई सदी बीत चुकी है, लोग भूल चुके थे, जिससे कोई समस्या नहीं थी क्योंकि सब कुछ काफ़ी शांत था, लेकिन फिर वे आ गए। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि मेगुमी ओडाका है, जिन्होंने हेसे की एक मूवी को छोड़कर बाकी सभी मूवीज़ में मिकी सेगुसा के कैरेक्टर को प्ले किया था, जो सभी मूवीज़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी। इतनी सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड की गई हैं, जो डेफिनेटली कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये गॉडज़िला इंडीड गॉडज़िला जूनियर है, जो निश्चित रूप से अपने फादर से भी ज़्यादा ताकतवर है। 3 नवंबर को टोहो ने एक लाइव एक्शन गॉडज़िला मूवी भी अनाउंस की थी, जो नेक्स्ट ईयर 3 नवंबर को रिलीज़ होगी। ये मूवी टोहो की है। इस मूवी पर डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। मुझे आप अपने थॉट्स ज़रूर बताइए इस शॉर्ट फिल्म के बारे। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।